राम राम एवरीबॉडी, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम परसेंटेज पर काम कर रहे हैं, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज सवाल शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं बोर्ड पर, बोर्ड के स्क्रीन पर। तो आज के सवाल की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। हिंदी में देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें उसी की भाषा में काम करना है। हम यहाँ पर एक्स और वाई नहीं मानेंगे कि संख्या एक्स है उसका 16 से 2/3%, एक्स का 16 से 2/3% और आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें जो सवाल ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है, नंबर चाहे कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, फर्क क्या पड़ता है उससे। तो हम ये मान रहे हैं कि परिणामी संख्या का हो रहा है, परिणाम जो है ना 116 से 2/3%। और दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे से डील किया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने मेरा वीडियो सीरीज देख रहे हैं परसेंटेज की, तो उनको कन्वर्ट करना आ गया होगा अब तक कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100% प्लस 16 से ही 2/3%। ठीक है, 100% प्लस 16 से ही 2/3%। 100% को फ्रिक्शन होती है 1, को 16 से ही 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/6। तब इसको सोल्व करेंगे, ऐसे हम लेंगे 6, 6 × 6 = 7, 7/6। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 116 से ही 2/3%, इसका मतलब आ रहा है मेरे पास 7/6। दोस्तों, तो वही बात कहूंगा कि अगर हम इसको ओरिजिनल नंबर मानते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। अगर इसको मैं ओरिजिनल नंबर मानता हूं तो इसका 16 से ही 2/3% है कितना, 7। ये मेरा रिजल्ट हो गया, परसेंटेज रिजल्ट है। संख्या, कोई सवाल भी यही कह रहा है कि कोई संख्या है में उसमें 16 जोड़ रहा है तो जो परिणाम है संख्या का 116 से 2/3%, इसका 116 से 2/3% कितना है, 7। अब 7 में से संख्या ही पूछ रहा है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। हमें मान रहे कि संख्या कितनी है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट का 116 से 2/3% है 7 यूनिट। तो यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कह रहे हैं नंबर को ऐड कर रहा है, संख्या को जोड़ रहा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 16 को। ठीक है, तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 यूनिट कितनी होगी, 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 16 × 6 कितना आ रहा है बोलो, 36 और 3 × 6 = 3, 96। तो हमारा नंबर कितना है, 96। तो 96 वो संख्या है जिसका 116 से 2/3% इससे 16 ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सवाल समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में चेंज करो। अब यहां पर देखिए डिफरेंस ये करेगा कि संख्या में 16 जोड़ा गया है जबकि हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट ही जुड़ी संख्या,
सवाल कह रहा है वो अलग बात है, हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से तो सिर्फ एक यूनिट ही आया है जुड़ा जुड़ करके, वैसे ऐसे सारे तो हुआ है, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 16 को, इस तरीके से सोचो, और 6 यूनिट तो 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 96। ठीक है, तो ये सवाल देखिए आपने बहुत इजी वे में कर रहे हैं सवाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज साउंड में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि माइक जो था वो खराब हो गया है, तो हो सकता है कि मैं साउंड प्रॉपर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा गूंज रहा होगा नॉइस, तो इसको वीडियो को कम लेंथ का करते हैं आज, कल उसको सुधराएंगे जो भी करेंगे माइक को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट इज 137 हाफ परसेंट ऑफ नंबर फाइंड द नंबर। ठीक है, हिंदी में देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो रहा है, परिणाम है वो संख्या का 137 सही 1/2% हो रहा है, तो इसकी जो 137 सही 1/2% की जो फ्रिक्शन है ये कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं 100%। इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा थोड़े दिन बाद आपसे, और 37.5%। अब हमें पता है कि 1% की फ्रिक्शन तो 1 होती है, प्लस 100% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1 होती है, और 37.5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/8। तो हमने 8 एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 8 × 8 = 11। तो दोस्तों ये जो सवाल है ना, 137 137 सही 1/2% हो गया 11/8। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या उसमें से 21 जोड़ रहा है तो परिणाम संख्या का 137 से 137 से 1/2% हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मान रहे कि अगर ओरिजिनल नंबर ही हमारा 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का 137 सही 1/2% कितना है, 11 है, 11 है, तो कितना जुड़ा, 8 यूनिट से हम 11 यूनिट पर शिफ्ट हुए हैं, तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट। अब ये जो 3 यूनिट का गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि संख्या में 21 जोड़ रहा है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 21 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 21/3 को, तो 8 यूनिट जो ओरिजिनल नंबर है मेरा, मेरे को संख्या ज्ञात करनी है, गुणा 8, 3 × 7 = 21 और 8 × 7 = 56, तो मेरा 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से देखिए कितना इजी है सवालों को करना, जैसा ये बताया जा रहा है उस हिसाब से आप सवालों को करने की कोशिश करिएगा। इफ 20 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट 166 2/3% फाइंड द नंबर। हिंदी में देख लेते हैं, यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करो। तो परिणाम है संख्या का 166 सही 2/3% हो रहा है, 166 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूं कितना, 100% प्लस, ऐसे याद रखिए शुरुआत में ऐसे कीजिए, 100% प्लस 66 सही 2/3%, 100% की फ्रिक्शन हो गई, 1/66 सही 2/3% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 2/3। आप ही देखिए ना, एक नीचे 3 है तो 1/3 की फैमिली का ही कोई है, 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। अब जब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 66 सही 2/3% हो जाएगा, तो हम इसका फ्रिक्शन लेके जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 5, 5/3। तो अब देखिए ये थिंकिंग है हमारी, क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है, हम ये मान रहे हैं कि अगर ओरिजिनल नंबर ही 3 यूनिट है तो इसका 166 सही 2/3% कितना है, 5 यूनिट आ रहा है, तो कितना यूनिट बढ़ा है, सवाल ये तो कह रहा है कि परिणाम जो हो रहा है ना संख्या का रिजल्ट कितना आ रहा है, 166, इसका जो भी संख्या है उसका 166 सही 2/3% 5 आ रहा है, मतलब
बीज जोड़ने पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्चुअल में कितना जोड़ रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि 3 यूनिट मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसका 166 सही 2/3% 5 यूनिट है, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया है, तो इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? बीज को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको? 20/2 को। और हमारे को तो ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? गुणा 3 कर दो, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा है नहीं बार बार रिपीट करने का, अगर आपको बार बार रिपीट करना है तो आप वीडियो से कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है लाइव, तो उसमें दो बार नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ती है, और मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2% एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। हिंदी में देख लेते हैं। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तब तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों, इसके लिए परसेंटेज चेंज एक नया कंसेप्ट मिला है हमें। देखिए, इस पर हम कोई भी परसेंटेज चेंज छोड़िए, हम एक को जनरल वे में बात कर रहे हैं कि हम किसे कहते हैं चेंज, चेंज किसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार इस आदमी में तो काफी चेंज आ गए हैं, ये देख क्या करने लग गए हैं, ऐसे कहते हैं लोग आसपास। तो वो क्यों कह रहे हैं कि ये देखो क्या क्या करने लग गए हैं? क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसा काम नहीं करता था, अब करने लग गया है वो। तो चेंज हमेशा ही, आप देखिए, चेंज हमेशा ही पास्ट के रेस्पेक्ट में होते हैं। पास्ट में ऐसा कोई काम था वो नहीं कर रहा था, अब वो कर रहा है, तो चेंज हो गया उसमें। जैसे बाइक के मॉडल है, बड़े एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक के जो भी मॉडल आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई पूछे कि यार बाइक का कौन सा मॉडल ले, तो हम क्या कहते हैं, यार फलाने मॉडल लेना यार, वो अच्छा मॉडल है। क्यों अच्छा क्यों है? क्योंकि हमने वहां पर कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन किससे किया है? पास्ट से किया है, याद रखना, कंपैरिजन पास्ट हमेशा ही पास्ट से होगा, हमेशा ही उसकी ओल्ड वैल्यू से कंपैरिजन होता है। ठीक है, उसके ओल्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं कि चेंज कितना हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ है इस मॉडल में। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए, उसमें परिवर्तन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा। हम हमारे जो ओल्ड वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में ही चेंज आता है, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से चेंज नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो इस सवाल को समझने से पहले कंसेप्ट जरूरी था तो मैंने बताया। अब हम सवाल को लेते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल है कोई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे को पता है क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मेरा लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, हिंदी में देख लेते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। हिंदी वाले भी एक बात ध्यान रखना कि जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टर्म है हमारी मैथमेटिक्स के, वो आपको याद इंग्लिश में भी रखने हैं। ठीक है, जैसे आयत को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं, इस तरीके से। तो आयत का क्षेत्रफल होता है भाई, आयत क्या होता है? आयत इस तरीके से कोई संरचना होती है हमारे,
ठीक है, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी विड्थ होती है। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, लेंथ इनटू विड्थ आता है, ये क्या है आयत है। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कर देता हूँ साहब, लंबाई तो आ रही है 37.5% और चौड़ाई आ रही है कितनी, 20%। कर दो, ऐसे उत्तर निकाल देंगे क्या, ऐसे सवाल का उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज में वैल्यू है, हमें इसको फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ाया था फ्रिक्शन, परसेंटेज से चेंज, परसेंटेज से फ्रिक्शन चेंज करना। परसेंटेज में हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको वैल्यू को हमें पहले फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। कभी भी ऐसा मत करना कि 37.5% गुणा 20% लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, खत्म हो गया, नहीं। अब देखते हैं करना कैसे इस सवाल को। हम जैसे मैंने बताया था कि 37.5% इसका फ्रिक्शन है अपना 3/8। सवाल कह रहा है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाएगी। तो मान लो कि पहले जो ओल्ड लेंथ थी, ये ओल्ड बोल दो, ये न्यू बोल दो, हम इस तरीके से तो करते हैं, पुराना नया। भाई हमें परसेंटेज चेंज याद करना है, परसेंटेज चेंज तो पुराने के रिस्पेक्ट में ही आएगा, जैसे मैंने बताया अभी। तो ये मान लो अपनी लेंथ है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, ठीक है। तो जो लेंथ है वो 8 से, वो कह रहा है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ रही है, तो 8 से कितनी होगी बढ़ करके, 8 का 37.5% कितना है, 3, तो बढ़ रही है, तो 8 और 3 ऐड हो जाएगा इसमें 11, तो नई लेंथ कितनी होगी, 11। इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई है वो जो है वो 20% क्या हो रही है, घट रही है, तो 20% की फ्रिक्शन 1/5, तो मान पुरानी वैल्यू कितनी है, 5, 5 का 20% कितना होता है, 1, तो 1 घटा दो इसमें, 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 4, तो नई वैल्यू कितनी होगी, 4। तो पुराना जो क्षेत्रफल आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 गुणा 5 कितना आया, 40। और जो नया क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई 11 गुणा 4 कितना आया, 44, ठीक है। तो अब हमें इसका जो क्षेत्रफल है वो मिल गया है, इसका पुराना भी मिल गया, नया भी मिल गया। तो अब करना क्या है, परसेंटेज चेंज निकालना है हमें, चेंज निकालना है। देखिए आप, चेंज हमेशा पास्ट के रिस्पेक्ट में होगा, तो पास्ट वैल्यू कितनी है, 40, और नया कितना हो गया, 44, तो कितना डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया, प्लस 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, 44 के रिस्पेक्ट में, नहीं, परसेंटेज जो चेंज होगा ना वो हमेशा ही पास्ट के रेस्पेक्ट में होगा, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, नई वैल्यू के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, चेंज हमेशा पुराने के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो ये इस तरीके से हम 4/44 नहीं ले सकते इसको। तो हमारे को जो चेंज मिला है 4 का, वो किस पर मिला है, 40 पर मिला है साहब, और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 100 पर कितनी है, बस हमें इस चीज को देखना है कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर 100 पर कितना है, वही क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि कोई नंबर 100 पर कितना है, बस वो परसेंटेज हो गया हमारा, इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 का चेंज आया 40 पर, तो 100 पर कितना चेंज आ रहा है, हमें 100 पर चेंज याद करना है, तभी तो मेरा परसेंटेज आएगा। तो मेरे को 10% का इसमें इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीज हो गया एरिया, तो 10% एरिया मेरा इंक्रीज हो गया।
सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। इसी नीचे जो सवाल है उसको ही बढ़ाते हैं। नॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है यार, को आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, कल शायद माइक सही करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। हिंदी में देख लेते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। वो यह चेंज ज्ञात करना है, कुल मिला के परिवर्तन ज्ञात करना है। परिवर्तन तो परिवर्तन पास्ट पर होगा, हम जानते हैं। तो जो वर्ग होता है, वर्ग हमारा जो होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हो गया, इंग्लिश में लिखे तो एरिया ऑफ, क्योंकि कई इंग्लिश वाले भी होंगे देखने के लिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर। अब लंबाई कितनी बढ़ रही है देखना, 40% बढ़ रही है, 40%। तो 40% का जो फ्रिक्शन होता है वो होता है 2/5, ठीक है, 2/5 होता है फ्रिक्शन। तो पहले 5 यूनिट था, मान रहे हैं हम कि पहले 5 यूनिट थी मेरी साइड, मेरी जो भुजा थी पहले 5 यूनिट थी, अब 5 का 40% बढ़ गया, ठीक है। तो ये मेरा जो परसेंटेज रिजल्ट आया ना, ये कितना है, 2। तो 5 यूनिट का 40% बढ़ गया है, तो मतलब 2 यूनिट और बढ़ गई है मेरी। तो अब नई जो यूनिट हो गई मेरे पास, 7 यूनिट हो गई है, ठीक है। मतलब भुजा की जो लेंथ थी वो पहले कितनी थी, 5 थी। तो ये ऐसे लिखिए, पुरानी वैल्यू, पुरानी क्षेत्रफल, ठीक है, ओल्ड एरिया और नया क्षेत्रफल, न्यू एरिया। तो पुराना क्षेत्रफल है, उसकी भुजा है मेरे पास 5 यूनिट, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। तो नया क्षेत्रफल है, उसकी भुजा है मेरे पास 5 का 40%, 2, 5 और 2, 7, तो 7 यूनिट है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, गुणनफल। ये एरिया नहीं है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, समझिए। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, स्क्वायर मीटर हो गया, नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमें तो सिर्फ परसेंटेज चेंज ज्ञात करना है, चेंज ज्ञात करना है, तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही क्या है मेरे को, ठीक है। तो ये समझिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ निकालने के लिए है, पर चेंज निकालने के लिए हम किसी भी संख्या का यूज कर सकते हैं हमारी तरफ से। तो हमने परसेंटेज का सहारा लिया है यहाँ पर, हमने ये मान लिया कि 5 यूनिट ही है जो मेरा नंबर है ना, मेरी साइड है वो 5 यूनिट ही है, 5 का 40% बढ़ा दोगे तो 7 यूनिट हो जाएगा, बस हमने मान लिया, ठीक है। तो 25 यूनिट था पहले और 49 यूनिट हो गए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 24 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस आ रहा है किस पर, 25 पर, ठीक है, 25 पर आ रहा है कि 49 पर, बताया था अभी पिछले सवाल में, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो 24 का डिफरेंस आ रहा है 25 पर, तो 100 पर कितना, कोई भी संख्या 100 पर कितनी है, यही तो परसेंटेज है, परसेंटेज और है क्या, कोई भी संख्या 100 पर कितना आ रहा है वही परसेंटेज है। तो इसको 25 चौक 100, 24 चौक 96, ठीक है। तो मेरा 96 उत्तर आ गया है, 96%। वो पिछले सवाल में भी देख रहे ना, परसेंटेज लगा देना उसमें, मैं शायद भूल गया था, मुझे पता नहीं है, 10% था उसका शायद उत्तर, और 10 था तो 10% कर देना उसको अगर नहीं लगाया तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना 96%, उसका एरिया बढ़ गया है, यानी कि यदि किसी भी वृत्त की भुजा को 40% लंबाई बढ़ाते हैं ना भुजा की, तो उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि मिलेगी अपने को, करने का मतलब ये है, ठीक है। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। तो वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ स्पेशली, वीडियो तो क्वालिटी तो ठीक है, ऑडियो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ाए, तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना। कल शायद मैं इसको सही करा दूंगा, माइक को ही माइक खराब हो गया, मंगाया था नया खराब हो गया, कोई नहीं, देखते हैं इसके बारे में भी। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, और चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक प्रमोट कीजिए। मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे, आप करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूं मेरे स्तर पर, आपसे उम्मीद है, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे देख रहे हैं मेरे को। और तो मैं उनसे बस यही कहूंगा कि इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी को, इन जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको इस चीज का फायदा मिले। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे लेने की, पैसे देने की 1% भी जरूरत नहीं है किसी को। ये मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अभी मेरा जॉब का नेचर भी कुछ ऐसा ही है, बताएंगे कभी, बातें करेंगे इसके बारे में। लेकिन जितना मेरे पास टाइम है, मैं मेरा पूरा टाइम इस चैनल को लगा, इस चैनल पर दूंगा। आप बस इतना कीजिए कि इसकी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्यों? क्योंकि इससे सर्चिंग लिस्ट बनती है चैनल की, उस चैनल सर्च होने में इजी रहता है। एक बार थोड़ा सा दिक्कत आता है शुरुआत में, एक बार सर्च में आने लग गया, उसके बाद थोड़ा ठीक होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, बताइए कि इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे, किसी को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। मैं एक एक बेहतरीन कंसेप्ट, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा। आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, लोगों को इसके बारे में बताएं। मेरी यही इच्छा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लगे, लोगों को इसका फायदा मिले, ताकि वो भी कहीं सेलेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।